बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधिका सरकार की जय। हनुमान जी महाराज की जय। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक कर्तुम अकर्तुम समस्त सामर्थ्यवान परद ब्रह्म परमात्मा के पावन चरण कमलों में अनुराग रखने वाले संत चरणारविंद्र विप्र चरणारविंद्र समागत समस्त भागवत रस रसिकों एवं श्रद्धा स्वरूपा देवियों, आज बड़े ही हर्ष के साथ सूचित करते हुए बड़ा ही आनंद आ रहा है कि बांके बिहारी लाल जी की कृपा से आज कन्हैया जी के चरणों में पंचम पुष्प अर्पित करते हुए बड़ा ही आनंद आ रहा है। भाग्य उदये नमः जन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारनाशम विधाय हि तदुदयते विवेक। मैं प्रतिदिन चर्चा करता हूँ प्यारे भागवत जी की कथा, जो परम सौभाग्यशाली होता है उसी को मिल पाता है। यहाँ तक सुखदेव जी ने कहा परीक्षित जी से कि राजन, ये भागवत जी की कथा सुनने के लिए देवता जन भी तरसते हैं और सुन नहीं पाते। जो ये भागवत जी की कथा हम सबको साधारण रूप से मिल गया, सुखदेव जी परीक्षित जी को यही कथा सुना रहे थे। देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आ गए, कहने लगे एवं बिन मयो जातो सुधा राज्ञा प्रपीयता प्रपश्यामो वयमो सर्वे विस्मयम् परमम्। बोले सुखदेव जी महाराज, जो ये देवलोक का अमृत है ये परीक्षित जी को पिला दीजिए, क्योंकि सातवें दिन तक्षक सर्प के डसने से इनकी मृत्यु हो जाएगी, सो ये अमृत इनको पिला दीजिए, ये जिंदा हो जाएंगे, कभी नहीं मरेंगे। सोचिए देवता दानों में इतना युद्ध होने के बाद प्यारी जो अमृत मिला, देवता जन वो अमृत लेकर के चले आए किसके पास? सुखदेव जी के पास। कह रहे ये जो अमृत का कलश है इसको आप ले लीजिए महाराज, बदले में कथा रूपी अमृत मुझे प्रदान कर दीजिए। सुखदेव जी ठाका मार के हंस दिए, बोले ओ देवता जन, ये हमारे मृत लोक का ये ऐसी भागवत कथा है जिसको ना तो धन से खरीदा जा सकता है, ना तो लोभ देकर के श्रवण किया जा सकता है। सुखदेव जी यूं कहना चाहते हैं कि राजन, ये भागवत जी की कथा कभी बेचना नहीं चाहिए। अब तो कथा वक्ता भी रेट करते हैं, भैया 5 लाख लेंगे, 15 लाख लेंगे, 8 लाख लेंगे, तब कथा सुनाएंगे। हुँ?
एवं बिनमयो जातो। ज्ञान की बातें बताने के लिए भी पैसे लेते हैं। एक बढ़िया यजमान मिला एक ब्याजी को। ब्याजी कथा सुनाए, सुनाने के बाद कहने लगे, यजमान जी अब मैं घर चल रहा हूं, जो बात हुई थी या लाओ तो मेरा दक्षिणा। यजमान बहुत चालाक था। यजमान ने कहा, महाराज 7 दिन आप कथा सुनाए, काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो, मोह छोड़ो, 7 दिन सुनाते रहे और खुद भी नहीं छोड़ पाए। सुखदेव जी बताना चाहे कि भागवत जी की कथा कभी भी रेट करके कोई वक्ता सुनाता है तो सुनना भी नहीं चाहिए। इसके नियम है। ऐसा नहीं है कि भागवत जी की कथा व्यासपीठ पर किसी भी वक्ता को बैठा दो। यहां तक कि भागवत जी में सीधा लिखा गया है, जो लोग महिला कथा वाचिका से कथा सुनते हैं वो यही कहते हैं कि जब से मैंने कथा सुना मारो ये गड़बड़ हो गया, वो गड़बड़ हो गया, ये हो गया। कथा श्रवण वेद विप्रह वैष्णव विप्रह। कथा वक्ता ब्राह्मण हो, वैष्णव हो और लोभी ना हो। और कथा यजमान जो कथा सुनते हैं उनका भी नियम बताया गया है कि 7 दिन देसी घी पीकर के कथा सुनना चाहिए। आप लोग बोलेंगे कि यहाँ दाल में नहीं मिल रहा है, और मिल भी गया तो पचाएंगे कैसे। बाद में ये हुआ कि कलयुग में ना तो इतना देसी घी होगा, ना तो कोई व्यक्ति इतना पचा पाएगा। बोले फलाहार हो जाए चलेगा। बोले वो भी नहीं हो सकता तो बोले भोजनम तु वरम मन्ने। यदि भोजन करने के बाद कथा सुनने में आनंद आ रहा है तो खुद चकाचक भोजन करके भजन करो। शास्त्र में ये कहीं नहीं लिखा गया है कि व्रत करो। कभी कभी व्यक्ति व्रत इतना कर लेता है कि मरीज बन जाता है। अगर भजन भोजन करने में भजन करने में मन लग रहा है तो भोजन करके ही भजन किया जाए। कितने लोग तो स्नान भी करते हैं तो पूजा के लिए नहीं, भोजन के लिए। जब देखते हैं कि घर में भोजन बन गया है, जल्दी जल्दी बल्टी लाओ, लोटा लाओ, नहाओ, अब तो भोजन करना है। प्यारे वक्ता के भी नियम है, श्रोता के भी नियम है। वेद शास्त्र विशुद्ध कृति। वक्ता भागवत जी के कथा को सरल करके सुना दे जो श्रोता को समझ में आ जाए। और जो रेट करके कथा सुनाए उनसे बिल्कुल ना सुनो, बल्कि घर में 10-5 वर्ष के बच्चे को पोथी दे दो, पलट करके सुना दे, सुन लो, वो चलेगा। ऐसा शास्त्र का विधान है। सुखदेव जी ने कहा, देवता जन एवं बिन मयो जातो सुधाराज्ञा प्रपीयता। प्रपस्यामो वयम सर्वे विस्मयम परमं व्ययो। बोले आप
जो दो देव लोक से अमृत का कलश लेकर के आए हो। हे देवता जन, यदि आप मेरे मृत लोक में भागवत कथा रूपी अमृत से अदला बदली करना चाहते हो तो सुन लो, ये देव लोक का जो अमृत है ये कांच के नग के समान है, और मेरे मृत लोक का जो भागवत कथा रूपी अमृत है ये हीरे के नग के समान है। एक बात बताओ, कभी कांच के नग की तुलना हीरे के नग से किया जा सकता है? कभी नहीं। तदा देवांचहासः। देवताओं की हंसी उड़ा करके सुखदेव जी वहां से विदा कर दिए। ये भागवत कथा रूपी अमृत उनको भी श्रवण करने को नहीं मिला, जो ये हम सबको मिल गया है। लेकिन इस दुनिया में दो प्रकार के बच्चे पाए जाते हैं। एक बच्चा वो है जिस बच्चे को माँ खिलौना दे देती है कि बेटा खिलौना खेलो, मैं घर का कुछ काम धंधा करूंगा। वो बच्चा खिलौना खेलने में इतना मस्त हो जाता है कि माँ को ही भूल जाता है। दूसरा बच्चा माँ खिलौने को देती है, कहती बेटा लो खिलौना खेलो। सोई वो चालाक बच्चा खिलौने को बाएं हाथ से पकड़ लेता है, और माँ जब घर में कुछ काम धंधा करने जाती है तो बेटा माँ का आंचल पकड़ लेता है, कहता है हे माँ मुझे खिलौना भी पसंद है लेकिन तेरा आंचल भी पसंद है। मैं खिलौने के चक्कर में आपको नहीं छोड़ सकता। कहने का तात्पर्य क्या है प्यारे, इस दुनिया में दो प्रकार के बच्चे हैं। एक बच्चे तो वो हैं जो घर के काम धंधे में, कोई दुकान कोई नौकरी कोई फैक्ट्री कोई और भौतिकतावाद हो करके वो प्रभु के आंचल को भूल जाता है। लेकिन जो चालाक व्यक्ति है वो जीवन के सारे कर्मों को करता है। करते कर्म करई विधि नाना, करते पुरुषार्थ भी करना चाहिए। घर के सारे काम धंधे को व्यापार करते हुए अपने मन को गोविंद के चरणों में लगाना चाहिए। कल कृष्ण कन्हैया के आगमन पे बड़ा ही आनंद आया। आप सब अपने आप को संभाल नहीं पाए और नाचने में मस्त हो गए। प्यारे, मैंने कहा था कि दुनिया का जो आनंद है वो सच्चिदानंद रूप आए मेरे गोपाल जी के चरणों में। और आनंद स्वरूप ये नहीं कहा गया कि नंद घर बेटा हुआ, नंद घर लाला हुआ, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के घर में आनंद हुआ। ब्रथा गतम तस्य नरस्य जीवनम,
वो जीवन व्यर्थ है जिस जीवन में मेरे गोविंद नाम। परीक्षित जी ने कहा, महाराज एक बात बताइए, जैसे प्रभु आए, प्रभु के आगमन पर समस्त बेड़ियां चटपट करके टूट गई। वसुदेव जी के हाथ पांव में जो बेड़ी लगी थी सब चटपट करके टूट गई। लेकिन जैसे वसुदेव जी कृष्ण कन्हैया को अपने सर पर रख करके गोकुल की तरफ चलने लगे, यमुना जी में बाढ़ आ गई। यमुना जी वसुदेव जी की दाढ़ी तक पहुंच गई। यमुना जी कन्हैया की पत्नी है। कन्हैया कह रहे, सुनो ये यमुना, थोड़ी शांत हो जाओ, मेरे पिताजी डूब जाएंगे। यमुना कहने लगी, सुनो हे प्राणनाथ, जब बेटा बहू के मिलन में ससुर बाधा पैदा करता है तो बहू को ससुर जी की दाढ़ी पकड़ लेनी चाहिए। सोई मैंने दाढ़ी पकड़ लिया है। कृष्ण कन्हैया अपने चरणों को नीचे कर दिए, यमुना जी प्रणाम करते हुए शांत हो गए। और आज यशोदा जी के बगल में योग माया जी लेटी हुई है। सुई वसुदेव जी योग माया को अपने पास ले लेते हैं और यशोदा जी के बगल में कृष्ण कन्हैया को लेटा देते हैं। और जैसे ही योग माया को लेकर के गोकुल से चलते हुए आ गए कारागृह में, जैसे ही पहुंचे सुई बेड़ियां चटपट करके लग गई। सुखदेव जी ने कहा, राजन जिसके जीवन में योग माया जी आ जाती है उनके हाथ पांव में बेड़ियां लग जाती हैं, और जिनके जीवन में मेरे प्रभु आ जाते हैं उनके जीवन में जो हाथ पांव में बेड़ियां लगी होती हैं सब चटपट करके टूट जाती हैं। प्यारे आज होता क्या है, यशोदा जी के बगल में झीनी सी चदरियां ओढ़े हुए हैं मेरे कृष्ण कन्हैया, और अपने हाथ पांव को धीरे धीरे चला रहे हैं। उधर से यशोदा जी की जो ननद है उनका नाम है सुनंदा। सुनंदा जी को जब पता लगा कि मेरे भाई को बेटा होने वाला है, लाला होने वाला है, सोई सुनंदा जी चल करके अपने मैके में आ गया और प्रतिदिन कहती, हे प्रभु, हे भगवान, हे नारायण, मेरे भैया का चौथा पन चल रहा है, सुंदर बेटा हो जाए। बहुत खुश है और सोच रही है कि मेरी भाभी के गले में नौलखा जो हार है, यदि बेटा हो जाएगा तो मिल जाएगा। ये ननद का बड़ा गंभीर टैक्स होता है भैया। लेकिन भागवत जी में नंदों के विषय में भी लिखा गया है, धुंधली ने ननद का अपमान किया। नंदाया मई सर्वस्वा ननंदा संघरे तदा। धुंधली अपने ननद का अपमान की तो घर में जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम क्या था? धुंधकारी, मारा पूरे कुल को नष्ट कर दिया। लेकिन यशोदा जी अपने ननद का इतना सम्मान की कि सुनंदा को 6 महीने पहले ही घर में बुला लिया और प्रतिदिन सुनंदा जी निवेदन करती कि घर में सुंदर लाला हो जाए, लाला हो जाए।
तो हुआ क्या, ननद का सम्मान करने से हुई थी बेटी यशोदा जी को, लेकिन हो गया बेटा। आज कृष्ण कन्हैया चीनी सी चदरिया ओढ़ करके हाथ पांव को अपना चला रहे हैं। इतने में जैसे सुनंदा जी आई, सुनंदा जी देखती हैं कि यशोदा जी के बगल में एक छोटा सा लाला चीनी सी चदरिया ओढ़ा हुआ है और अपने हाथ पांव को चला रहा है। बाकी बिहारी लाल जी अपने अंगूठी को मुख में डाल करके चूस रहे हैं। सोचने लगी कि हे भगवान, मैं झीनी सी चदरियां यदि हटाऊं तो कहीं लाला की जगह यदि लाली हो गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। सुनंदा जी जाप करने लगी, श्री हरि शरणम, हे प्रभु मेरे जीवन का सारा पुण्य आज मेरी भाभी को लग जाए, ये लाला ही हो। और जैसे ही झीनी सी चदरियां हटाई सोई फिर ढक दी, यदि लाली हो गई तो क्या होगा। फिर जैसे ही सुनंदा जी झीनी सी चदरियां हटाई, बोलिए नंद के लाला की, कृष्ण कन्हैया लाल की। प्यारे जैसे ही झीनी सी चदरियां हटाई सोई आज सुनंदा जी दौड़ते हुए नंद बाबा जी के पास जा रही हैं और नंद बाबा जी माला का जाप कर रहे हैं। माला के जाप में कोई भिक्षा वाला मंत्र याद नहीं आ रहा है। कह रहे हैं अब ही नाई भयो। नंद बाबा जी सोच रहे हैं चौथा पल आ गया और अभी कोई लाला नहीं हुआ। सुनंदा जी दौड़ी दौड़ी आई, कहती भैया हो गया है, लेकिन नंद बाबा जी तो महामना हो गए हैं, माला का जाप कर रहे हैं, अब ही नाई भयो। सुनंदा जी हाथ पकड़ करके हिलाते हुए बोली, ओ भैया, अरे लाला भयो है लाला। नंद बाबा जी बोले, बहन क्या हुआ। बोले आज घर में लाला हुआ है। इस बात को सुन करके नंद बाबा जी आज महामना हो गए। नंदास्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हरलादो महामना, आहोय विप्राण वेद ज्ञान अस्नातः सुचिर लंकृते। आज नंद बाबा जी महामना हो गए, 108 ब्राह्मणों को बुलाए और स्वस्ति वाचन कराने लगे। वाचित्वा स्वस्तैनम् जात कर्मात्मजास्वे कार्यमास विधवत पितृदेवार्चनम् तथा। सारे ब्राह्मणों को बुला करके कह रहे, हे ब्राह्मण देवता, आपकी ही कृपा से मेरे घर में छोटा सा लाला हुआ है। ब्राह्मण देव आशीर्वाद देते हुए और आज समस्त गोपियों को जब पता लगा कि नंद के घर में लाला हुआ है, सोई नंदालयम सबलया ब्रजतीर वरे जुहु ब्यालोल कुंडल पयो धर हार सोभा। सारी गोपियां सुंदर सज धज रही हैं, गले में पहन रही हैं, कानों में पहन रही हैं और खूब सजते सजते एक वृंदावन के संत कहते हैं, एक गोपी तो ऐसी सज रही थी, सोच रही थी कि मुझे जन्मोत्सव में जाना है तो कम से कम अच्छी तो लगनी चाहिए ना।
सुई श्रृंगार करते समय प्रभु की याद में ऐसे भाव विभोर हो गई कि जो ओठों पे लगाना चाहिए उसको पांव में लगा लिया और जो पांव में लगाना चाहिए उसको ओठों पर लगा लिया। ऐसी गोपी सज रही है और सज धज करके आज जैसे ही चलते हुए आए तो आज सुनंदा जी कृष्ण कन्हैया के एक आंखों में काजल लगा देती हैं और दूसरी आंख में काजल नहीं लगाती। कहती भैया अरे कुछ नेग तो लाओ तभी तो दूसरे आंख में मैं काजल लगाऊंगी। नंद बाबा बोले बहन सब कुछ आपका ही है। और यशोदा जी के पास जाकर के कहने लगी सुनंदा जी भाभी अरे कुछ लाओ तो सही घर में लाला हुआ है। यशोदा जी थोड़ा इशारा की कि ननद रानी तुम्हारे पास तो सब कुछ है। सुनंदा जी ने कहा मुझे लालच नहीं है भाभी लेकिन पड़ोसियों को बताना पड़ता है ना मुझे क्या क्या मिला सोई पड़ोसी के लिए देना पड़ेगा। सोई आज यशोदा जी नौ लखा हार निकाली और अपनी ननद रानी को दे दी और खूब सारा आशीर्वाद देते हुए आज कन्हैया को पालने में लिटा करके और सारी गोपियां कन्हैया को झुलाती हैं भाव से मेरो लाला झूले पर लेना। भाव ऐसा हो कि कृष्ण कन्हैया को हम सब भाव से मानसिक रूप से पालने में बिठा के झुला रहे हैं। मेरो लाला झूले पर लेना नंद लाला झूले पर लेना जरा धीरे से झूलियो। मेरो लाला झूले पर लेना जरा धीरे से झूलियो। मेरो लाला नंद लाला राधा गोपाल।
नंद यशोदा गोरी, गोरे नंद यशोदा गोरी, गोरे नंद यशोदा गोरी, गोरे नंद यशोदा गोरी, गोरे नंद यशोदा गोरी, आयो धायो है लले भागवत जी की कथा कार्यक्रम तो बहुत पुराना ही बना था, लेकिन ना तो ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ, ना तो होर्डिंग बैनर इतना लगा, लेकिन मुझे अब जाकर के पता लगा कि अपना क्षेत्र जो इटाहा ग्राम सभा है, इसमें साधारण भक्त नहीं रहते। एक तो अन्यत्र कहीं जहां मैं कथा करने जाता हूं, वहां श्रोता लोग इतने विद्वान नहीं होते, और यहाँ के श्रोतागण तो देखने से ही लगता है, पर्सनालिटी से ही, कि यहाँ विद्वत समाज है। दूसरी बात, मैंने सुना भी है कि सुजानगंज क्षेत्र एक प्रकार से काशी ही है, और आज
कृष्ण कन्हैया को पालने में लिटा करके जैसे ही समस्त गोपियां झूला रही हैं, इतने में नंद बाबा जी आज महामना हो गए। नंदास्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हरलाघो महामना, आहूय विप्राण वेद ज्ञान अस्नातः सुचिर लंकृते। नंद बाबा जी आज महामना हो गए, बहुत खुश हैं, सोच रहे मुझे क्या करना चाहिए। इतने में गए 108 ब्राह्मणों को बुला लाए और ब्राह्मणों से कहने लगे, सुनो, जब कोई घर में मांगलिक कार्य हो तो गोदान करना चाहिए, गोदान करना चाहिए। सो आज नंद बाबा जी ब्राह्मणों को बुला करके धेनु नाम न्यूते प्रादा विप्रेभ्य समलंकृते। धेनु नाम न्यूते प्रादा विप्रेभ्य समलंकृते। दो लाख गाय को दान दिया, लेकिन गाय भी कैसी थी। धेनु नाम न्यूते प्रादा, उन गायों के सींग में सोना हीरा जवाहरात खुर में भी लगा था, ऐसी गाय दान दी। और जो दूध देने वाली गाय थी साथ में बछड़े थे। प्यारे शास्त्र ये कहता है, दान करना तो चाहिए, लेकिन कैसी वस्तु का दान करना चाहिए। पति मुंबई में है और पत्नी यहां से फोन करती है कि क्या बताऊं, घर में अब भूसा रहा नहीं, दाना बहुत महंगा हो गया है, और तो और क्या बताऊं, जब गाय धोने के लिए मैं जाती हूँ ऐसी लात चलाती है, यदि मुंह में लग जाए तो एक भी दांत बचने वाला नहीं है। अब बताइए मैं इस गाय को क्या करूं। पति कहता है, कुछ मत करो, बगल वाले गांव में जो पंडित जी रहते हैं उन्हीं को बुला करके गोदान कर दो। अब तो ये भी नहीं रहा, गायों की वो दुर्दशा हो गई है कि रात्रिकालीन व्यक्ति जो गाय दिन में छोड़ता नहीं, रात को ले जाकर के 2-4-5 किलोमीटर छोड़ करके भाग आ रहे हैं। गाय की कितनी दुर्दशा है, सोचिए कितने दुख की बात है। गाय के रोम रोम में देवताओं का वास है। लक्ष्मी जी दौड़ते हुए आए, कहने लगी, मुझे भी कहीं स्थान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, सिर्फ एक ही स्थान बचा हुआ है, गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का वास बताया गया। जिस घर में गाय रखी जाती है उस घर में कभी संक्रामक रोग नहीं होता। दूसरी बात, गाय चाहे दूध दे या ना दे, ध्यान से सुनिएगा, जिसके घर में बेटा ना हुआ हो, सोच रहा हो, मंदिरों में जा रहा हो, तमाम तांत्रिक को बुला रहा हो, ओझा को बुला रहा हो, डॉक्टर को दिखा रहा हो, प्यारे ऐसे व्यक्ति यदि गौ सेवा करना शुरू कर दें, जीवन का कोई ऐसा काम नहीं है जो प्यारे सरलता से ना हो जाए। गौ सेवा कोई साधारण सेवा नहीं बताई जाए। धेनु नाम न्यूते प्रादा विप्रेभ्य समलंकृते। ऐसी वस्तु का दान करना चाहिए जो अच्छा हो।
मैं एक बार कपड़े की दुकान पे बैठा था, एक भाई आए, कहने लगे कि धोती कुर्ता गमछा तीनों मुझे दे दीजिए। वो व्यक्ति धोती लाया, कुर्ता लाया, गमछा लाया। बोले कितना हुआ? बोले टोटल 3200 रुपया हुआ। मैं बैठा था दुकान पे, जो वस्त्र खरीद रहा था उसने कहा, समझते नहीं हो? बोले क्या हुआ? अरे बोले पंडित जी को देना है। बोले ये पंडित जी को देना है। तो सेठ बोला, तो पहले बताना चाहिए ना। वो गया चलते हुए पीछे, बर्जे पर रखा हुआ कपड़ा उठा के निकाला, जैसे ही बजाया बहुत सारे मिट्टी धूल निकले, और जैसे निकाल के लेकर के आया, भैया बोले कितना हुआ? बोले वैसे होता तो बहुत है, आपके लिए 350 में तीनों मिल जाएगा। ये हम लोगों के लिए, पंडितों के लिए, ब्राह्मणों के लिए अलग अलग से कंपनी निकली हुई है। धोती की अलग, कुर्ते की अलग। एक दुकान पे मैं देखा, उस पे रखा हुआ था जो जिसमें अंगेठी में कुछ बनाया जाता है। मैंने पूछा, भैया इसमें तो अंगेठी में बनेगा क्या, इतना बड़ा है? बोले ये कुछ बनता उनता नहीं है, इसको देना पड़ता है, बस कंपनी में इसको लॉन्च किया है। प्यारे हम लोगों को कभी कभी ऐसे वस्त्र मिलते हैं, ये होता है भैया इससे तो गाड़ी भी नहीं पहुंच सकते, घर के किसी काम में भी नहीं ले सकते। ये होता है, ये तो भैया कपड़े को देख करके अंतिम विदाई की याद आती है, कफन के सिवा ये कुछ नहीं बन सकता। ऐसी वस्तु का दान करना चाहिए जो वस्तु अपने आप को भी प्रिय लगे। हाँ, 10-5 सामान मत दो, एक ही सामान दो, लेकिन वो सामान दो जो काम में आए, सार्थक हो सके। और हम जैसा देते हैं हमें वैसे मिलता भी है। अगर हम अच्छी वस्तु देंगे तो हमें अच्छी वस्तु मिलेगी, और यदि ऐसे ही फॉर्मेलिटी करेंगे तो प्रभु भी आपके साथ फॉर्मेलिटी ही अदा करेगा। बोले धेनु नाम नियुते प्रादा विप्रेभ्य समलंकृते। गाय को अलंकृत करके खूब सुंदर सजा धजा करके तब दान दिया। तैसे घर की पंडितानी जी दौड़ी आई, कहने लगी क्या करूं? हे नंद बाबा, मेरे घर में ब्राह्मण देवता इतनी गैया ले गए हैं, अब रस्सी खूंटे भी नहीं बचे, सोई आज नंद बाबा बोले वो भी ले जाओ। बोले चारा कम हो तो वो भी ले जाओ, क्योंकि आज नंद बाबा जी प्यारे महामना हो गए कन्हैया के आगमन पे। नंद कछु इतनो सो दियो घनश्याम कुबेर की मन देखत मोहि लुटाय दियो न बची बचिया छछिया न पिछो। आज नंद बाबा जी इतना महामना हो गए कि ब्राह्मणों से कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, मेरे घर में जो भी कुछ है सब आपका है, उठा ले जाओ। इतने में कंस को पता लगा कि गोकुल में जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। कंस की बहन पूतना आई, कहने लगी, भैया अरे आप इतना चिंतित क्यों हो? मैं हूं ना। बोले बहन तुम क्या करोगी?
उलिकन सेना प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। बोले चिंता ना करो, मैं गोकुल में जाऊंगी, जितने भी छोटे छोटे लाला होंगे मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आप चिंता क्यों करते हो भैया? कंस कहने लगा, क्या बताऊं, ये तुम्हारे जो मुख के बड़े बड़े दांत हैं, इसको देख करके गोकुल वाले तुम्हें घुसने ही नहीं देंगे। पूतना कहने लगी, चिंता ना करो भैया, मैं घूंघट कर लूंगी। बोले ये ऐसा कुदरूप चेहरा लेकर के जाओगी? बोले चिंता ना करो भैया, मैं ब्यूटी पार्लर से होकर के जाऊंगी। कोई समझ नहीं पाएगा। सोई घूंघट काढ़ी और गोकुल की तरफ चल जाए। घूंघट में बड़े अच्छे अच्छे काम होते हैं। कथा पंडाल में यदि निद्रा लग रही हो तो घूंघट बढ़ाओ और सो जाओ। जेठ जी से लड़ना हो तो घूंघट बढ़ाओ, लड़ लो, कोई बात नहीं, घूंघट तो है ही। इतना ही नहीं, ये घूंघट तो गुलगप्पे की दुकान पे बहुत काम में आता है भैया। आज पूतना घूंघट करके गोकुल में जैसे पहुंची, सोई गोकुल में पहुंचने के बाद यशोदा जी कृष्ण कन्हैया को अपनी गोद में रख करके गालों पर थपकी लगा करके खिला रही है। तब तक पूतना पहुंची, कहने लगी, अरे बहन, अरे ये जो लाला हुआ है आपका, क्या आप मुझे मेरी गोद में दे दोगी? यशोदा जी कहने लगी, बहन ये लाला मेरा नहीं है, ये लाला तो आप सबका है। यशोदा जी कृष्ण कन्हैया को पूतना की गोद में दे देती हैं और पूतना कृष्ण कन्हैया के गालों को सहलाते हुए, कन्हैया पूतना की तरफ देखते नहीं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन आज कन्हैया सोच रहे हैं कि हे पूतना मौसी, तुम माँ के समान हो और अपने लाला को मारना चाहती हो, सो मैं आपके चेहरे को कैसे देखूं? एक रिश्ते को खत्म करने के लिए आई हो, और दूसरा भाव यह है कि हे पूतना, जिसके मन में काम क्रोध मद लोभ होता है उसकी तरफ मैं कभी देखता भी नहीं हूं। और आज पूतना कृष्ण कन्हैया को विषाक्त पदार्थ लगा के स्तनपान करा रही है। मेरे प्रभु, दुख दुख पान तो नहीं करना था, विष पान ही करना था। विष पान करते 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 आज पूतना का प्राण ही पी गए। अहो वकीयम अस्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्यसाधे लेभे गतिं धाम त्रुचितां ततोऽजम् कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। मेरे प्रभु, ऐसी पूतना को भी वो गति दिए, विष्णु लोक प्रदान किए, जो गति यशोदा जी को देते हैं वही गति आज पूतना को दे देते हैं। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवही दीन पर राम सरिस को नाही। ऐसो को उदार जग माही। और आज बाकी बिहारी लाल जी सक्तासुर का उद्धार किए, त्रिनासुर का उद्धार किए। समय बड़ा कीमती होता है, इन राक्षसों की चर्चा करने से क्या फायदा? आइए हम प्रभु की चर्चा करते हैं। प्रभु के हाथों से कभी कोई मरता नहीं है, प्रभु के हाथों से सबका उद्धार ही होता है प्यारे। और आज पार्वती मैया जी कैलाश पर्वत पर सज धज रही हैं। भोले बाबा जी पूछते हैं, हे देवी,
क्यों इतना सज रही हो? पार्वती मैया जी कहती हैं, हे बाबा, गोकुल में जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, मैं वहीं जाना चाहती हूँ। बोले बाबा जी, बोले सुनो देवी, मैं भी चलूंगा। पार्वती जी कहने लगी, सुनो कृष्ण कन्हैया, अभी सूतिका गृह में है, अभी आप नहीं जा सकते सवा महीने तक। लेकिन भोले बाबा जी से तो रहा नहीं गया। नागेन्द्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मंगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्ध्याय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। आज मेरे भोले बाबा जी सुंदर सज धज करके गोकुल की तरफ आ गए और भोले बाबा जी कहते हैं, अरे यशोदा, मैंने सुना है कि तुम्हारे घर में लाला हुआ है, सोई लाला का दर्शन तो करा दो। आज जैसे ही भोले बाबा जी दरवाजा खटखटाए, अरे यशोदा, दरवाजा तो खोलो। यशोदा जैसे ही दरवाजा खोली, सोई जैसे भोले बाबा जी के गले में काला काला सर्प, कानों में बिच्छू। यशोदा जी तुरंत दरवाजा बंद कर दिया, डर गई। भोले बाबा जी सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं। भोले बाबा जी दूसरे द्वार पे गए और दरवाजा खटखटाए, सो यशोदा जी जैसे दरवाजा खोली, सो यही भोले बाबा। फिर दरवाजा बंद करने लगी, बाबा कहने लगे, हे देवी, हे मैया, मैंने सुना है तुम्हारे घर में लाला हुआ है, मुझे दर्शन तो करा दो। यशोदा जी कहने लगी, सुनो ध्यान से, हे बाबा, जो आपके गले में ये ना काले काले सर्प हैं बिस्धर, ये बिच्छू, इनको देखने से मुझे बड़ा डर लग रहा है। हे बाबा, मेरो लाला डर जाए को, सोई इन बिच्छुओं को, इन सर्पों को बाहर रख करके आ जाओ। बोले बाबा जी कहने लगे, सुनो, हे देवी, जिसको मैं धारण कर लेता हूँ, उसको मैं जीवन में कभी त्यागता नहीं हूँ, वो क्यों ना सर्प के समान विषैला हो। आज जैसे ही यशोदा जी बाबा को देखती हैं, सोई फिर दरवाजा बंद कर लेती हैं। और भोले बाबा जी जैसे तीसरे दरवाजे पे गए, अरे मैया, अब बिना कृष्ण कन्हैया के दर्शन के अब रहा नहीं जा रहा है, करा दो ना दर्शन। यशोदा जी कहती, संभव नहीं है, हे बाबा, मेरो लाला डर जाएंगे। और आज भोले बाबा जी इशारा करते हैं, हे कृष्ण कन्हैया, आप आ जाओ ना, बिना दर्शन किए नहीं रहा जा रहा है। कन्हैया बोले, मैं कैसे आ सकता हूँ, मैं पालने में लेटा हूँ और मैं चल नहीं सकता, मैं बोल भी नहीं सकता, मैं छोटा सा लाला हूँ। बोले बाबा जी बोले कि वो निराकार ब्रह्म की जो उपासना की बात है, वो कहाँ चली गई प्रभु? बीनु पग चले सुनई बीनु काना, बीनु पग चले सुनई बीनु काना, बीनु पग करम 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 करम
फल रस भोगे पग चल ही सुन ही बिनु काना कर बिनु कर्म कर ही विधि नाना। अरे आप तो निराकार हो, आ जाओ ना। प्रभु कहने लगे कृष्ण कन्हैया, हे भोले बाबा जी, ज्ञान की चक्षु से जो मुझे देखता है उसके लिए तो मैं निराकार हूँ, लेकिन भक्ति के सूत्र से जो मुझे देखता है तो उसके लिए तो मैं साकार हूँ। सुन लो, मैं मैया के प्रेम भक्ति के बंधन में ऐसे बंधा हूं कि मैं आ नहीं सकता। बोले बाबा जी कहने लगे, तो फिर जब तक आपका दर्शन नहीं मिलेगा मैं जाने वाला भी नहीं हूं, मैं भी हटी हूं, योगी हूं। कोई उपाय बताओ कृष्ण कन्हैया। कन्हैया कहने लगे, सुनो बाबा, इस दुनिया में बिना गुण की कोई कीमत नहीं होती। कुछ ना कुछ हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई गुण होना चाहिए। बाबा जी कहने लगे कि कहना क्या चाहते हो। बोले बाबा, आप झाड़ फूक करने वाले बन जाओ और मैं रोने लगूंगा। और पता है, जिसके घर में छोटे छोटे लाला होते हैं उसके घर में झाड़ फूक करने वालों की बड़ी कीमत होती है। पड़ोस में कोई झाड़ फूक करने वाला हो जिससे बिल्कुल ना जमता हो और घर में लाला हो तो पड़ोसी बुला के चाय पिलाता है, सुपारी खा लो, चाय पी लो, रिश्ता लगाता है। क्यों? बोले जीवन में कोई ना कोई गुण होना चाहिए। बोले बाबा जी, कहने लगे भैया कोई झाड़ फूक करा लो। यशोदा जी फिर भी नहीं बुलाई। भाई बीमार व्यक्ति ही तो डॉक्टर की कीमत समझता है, नहीं तो क्या मतलब। बोले बाबा जी, बोले कि मैं झाड़ फूक करने तो लगा, लेकिन एक बात बताओ, किसको झाड़ फूक करूं? कन्हैया रोने लगे जोर जोर से। और जब रोने लगे, यशोदा जी अपनी गोद में उठा करके दुग्ध पान करा रही, फिर भी कन्हैया चुप नहीं हुए। स्नान कराई, फिर भी नहीं चुप हुए। यशोदा जी परेशान, मेरे लाला को क्या हो गया? इतने में भोले बाबा जी दरवाजा खटखटाते हुए बोले, अरे देवी, कोई झाड़ फूक कराना चाहता हो तो करा ले, किसी के लाला को नजर लगी हो। यशोदा जी कहने लगी, हे बाबा, मेरे लाला को ही नजर लगा है, झाड़ फूक कर दो। लेकिन सुन लो, ये जो गले में है ना, इसको निकाल दो, बड़ा डर लग रहा है। ये सोदा जी के सामने आज भोले बाबा जी खड़े हैं और कृष्ण कन्हैया दूसरे कक्ष में पालने में लेटे हुए हैं और भोले बाबा जी दूर से देख रहे हैं। प्रभु अंगूठे को चूस रहे हैं, हाथ पांव चला रहे हैं। बोले बाबा जी कहते हैं, अभी संपूर्ण रूप से मैंने आपका दर्शन नहीं किया। कन्हैया बोले, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, अब इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकता। बाबा जी कहने लगे, सुनो, रोना बंद मत करना, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। बांके बिहारी लाल जी और जोर जोर से रोने लगे। ये सोदा जी बोली, सुनो ए बाबा, आपका मंत्र किसी काम का नहीं, घंटों बीत गए अभी भी मेरा लाला जैसे का तैसा ही है। बोले बाबा जी, बोले सुनो, मेरा मंत्र दूर से काम नहीं करता है, मेरी गोद में ले आओ। ये सोदा जी बोली, ना ए बाबा,
मैं अपने लाला को आपकी गोद में नहीं देने वाली हूँ। अरे ये सर्प ये बिच्छू डंक मार देंगे, चौथे पद में एक लाला मिला हुआ है। बोले फिर देख लो, ऐसे आपका लाला ठीक होने वाला नहीं है। सोई बांकी बिहारी लाल जी जब जोर जोर से रोने लगे, बोले बाबा जी बोले सुन लो, क्यों दुख दे रही हो अपने लाला को, लेकर के आओ मेरी गोद में। यशोदा जी गई पालने में से कृष्ण कन्हैया को उठाई और लेकर के जाती हैं भोले बाबा जी की गोद में। जैसे ही रखने लगती हैं वैसे ही यशोदा जी अपने नेत्रों को बंद कर लेती हैं। सोचने लगी कि यदि मैं नजर का झाड़ फूंक ना करवाऊं तो मेरा लाला रोता रहेगा, और हे भगवान आज मेरे लाला को क्या होने वाला है। बाबा जी की जैसे गोद में कन्हैया बैठे लेट गए, सोई कृष्ण कन्हैया मुस्कराने लगे, बहुत प्रसन्न हो गए। और भोले बाबा जी कृष्ण कन्हैया के गाल पर थप्पी लगाने लगे। लेकिन जैसे ही कृष्ण कन्हैया को यशोदा जी की गोद में देते हैं सोई कन्हैया रोने लगते हैं, और जैसे भोले बाबा जी की गोद में आते हैं वैसे कन्हैया मुस्कराने लगते हैं। यशोदा जी कहती हैं बाबा आप इतने अच्छे हो तो सुन लो, रह रे योगी नंद भवन में ब्रज में वासो कीजे, जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजे। हे बाबा अब आप कहीं मत जाओ, मेरे यहाँ ही रह जाओ गोकुल में, पता नहीं मेरे लाला को कब नजर लगेगा, मेरा लाला कब रोने लगेगा, तो मैं आपको कहाँ पाऊंगी। बोले बाबा जी मन मन में कहने लगे कि अरे यशोदा जब तक मेरे अंदर गुण नहीं था तब तक दरवाजे से बाहर भगा रहे थे, और जब जरूरत का कार्य हो गया तो कह रहे हो कहीं मत जाओ। बोले बाबा जी बोले चिंता ना करो, सुंदर दर्शन करते हुए नगर में जोगी आया। आज नगर में योगी के रूप में भोले बाबा जी भटकते हुए क्या करते हैं, नगर में योगी आया यशोदा के घर आया, भेद कोई समझ न पाया कि आगे अलख जगाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम भोले नाम भोले।
रंग विभूति बले मुंडमाला सिसरा गली पटायो रंग विभूति गले मुंडमाला सिसरा गली पटायो बाको तिलक पाल चंद्रमा घर घर अलख जगायो घर घर अलख जगायो रंग विभूति गले मुंडमाला सिसरा गली पटायो यशोदा के घर आया ऐसा है अलग जगाया
कन्हैया का दर्शन करते हुए कैलाश पर्वत पर गए, इतने में गुरुजी का आगमन हो जाता है। यदो नाम महिमाचार्य है क्या तस्य भुवि सर्वदा, सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। आज जैसे ही गुरुजी का आगमन हुआ, नंद बाबा जी महामना हो गए। नंद बाबा जी गुरुजी को लेकर के आए घर में और बिठा करके बात करने लगे। कहने लगे, हे गुरुवर, मेरे घर में दो लाला हुआ है जिसका अभी नामकरण नहीं हुआ है। गुरुजी, लेकिन यदि कंस को पता लग जाएगा कि मेरे लाला का नामकरण हुआ है तो मेरा लाला फिर बचने वाला नहीं है। गुरुजी ने कहा, चिंता ना करो, चलो मैं गौशाला में चलता हूँ और सुंदर नामकरण कर देता हूँ। प्यारे, अभी भी एमपी और छत्तीसगढ़ में जब हम लोग जाते हैं तो जो व्यक्ति बहुत स्वागत करता है हम लोगों का, तो पहले वो व्यक्ति गौशाला में लेकर के जाता है। पहले के जमाने में जब कोई बहुत विशिष्ट व्यक्ति आता था तो उसको व्यक्ति गौशाला में ले जाता था। और आज तो सोचिए कितनी स्थिति बिगड़ गई। पूरे भागवत जी में यदि संशोधन किया जाए, शोध किया जाए, तो बांके बिहारी लाल जी भी गैया चराए आकर के, गो ब्राह्मण हिताय च, पृथ्वी लोक पे आने का काम ही बांके बिहारी लाल जी का, प्रभु का यही रहा कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज औता। गाय ब्राह्मण संतों के लिए अवतार लिए, लेकिन जिसके लिए प्रभु अवतार लिए उसकी दशा क्या है? आज ब्राह्मण व्यक्ति कोई भागवत जी की कथा या सत्यनारायण व्रत कथा कोई सुनाने जाता है तो सुनने वाला कहता क्या है? कहता है, भैया 200-500 रुपए देने के बाद कहता है वैसे तो 300 रुपये दिहाड़ी चलत बा, दिन भी मनई खटर, खियो पियाओ कहे कपड़ो लगता दे, ऊपर से 500 रुपये दे कम बाबा। सोचिए, ब्राह्मणों की बड़ी दुर्दशा है। शादी विवाह में आदमी क्या डीजे ले जाएगा, रथ ले जाएगा,
और उसको 20,000 देगा, उसको 50,000 देगा। ब्राह्मण यदि कहे थोड़ा सा यहाँ ऐसे कर दीजिएगा, सामने वाला कहा अब भाई इनकर लालच गई ना है, इतना पैसा खर्च करता है। लेकिन पंडितों के लिए ये देखिए, आखिर सोचिए क्या पंडित जी का बच्चा इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ता होगा? पंडित जी की भी पत्नी ब्यूटी पार्लर में जाती है, उनका भी खर्चा है भैया। गो ब्राह्मण हिताय च, इसलिए गौ सेवा और ब्राह्मण सेवा जीवन में अवश्य करना चाहिए। आज गुरुजी कहने लगे कि मेरे घर में दो लाला हुआ है, उनका नामकरण कर दीजिए। प्यारे गुरुजी गौशाला में लेके गए और रोहिणी मैया और यशोदा जी सोच रही हैं कि गुरुजी सही सही हैं कि नहीं है। सोई किया क्या कि जो रोहिणी का लाला था वो यशोदा जी ले, और जो यशोदा जी का लाला था वो रोहिणी के गोद में दे दे। यशोदा जी रोहिणी के लाला को गोद में लेकर के आई गुरुजी के सामने और गुरुजी नामकरण कर रहे हैं। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे आख्यास्ते रामैति बलाधिक्याद बलं विदुः। कहने लगे अरे यशोदा, जो तुम्हारे गोद में ये लाला है, ये लाला आपका नहीं है, ये रोहिणी जी का लाला है, इनका नाम बलराम है। देवियों के अंदर बड़ा परक होता है परीक्षा लेने के लिए। एक भाई मुझसे पूछने लगे कि महाराज हमारे गांव में बड़ी चर्चा है आपकी, कि ये जो आपका बाल है ये सही सही है कि ऐसे डुप्लीकेट लगा के आए हैं? तो भैया ये डुप्लीकेट नहीं है, ये सही सही है। बड़े पारखी हैं आप लोग। वैसे आज रोहिणी मैया के समक्ष यशोदा जी हीरे की अंगूठी निकाली और दे दी गुरुजी को। गुरुजी सच सच में आप बड़े ज्ञानी हो। तब तक रोहिणी जी कृष्ण कन्हैया को अपने गोद में बिठा करके जैसे कहती हैं गुरुजी इनका नामकरण कर दीजिए। प्यारे सोई गुरु जी ने कहा इदानीं श्री, इतने में गुरु जी की त्राटक समाधि लग गई। गुरु जी कुछ बोल नहीं पाते और श्वास भी नहीं ले पा रहे हैं, समाधि में बैठ गए। यशोदा जी गुरु जी को हिलाती हैं, बुलाती हैं, अरे गुरु जी उठ जाइए। रोहिणी जी कहती है गुरु जी क्या हो गया? तो यशोदा जी तो दुखी होकर के रोने लगी। यशोदा जी सोचने लगी मेरे लाला की तो बड़ी बदनामी हो जाएगी, कल से लोग चर्चा करेंगे कि जो नंद के घर में लाला हुआ है गुरुजी नामकरण करने गए और वो पधार गए, बड़ी बदनामी होगी। सो रोहिणी मैया कहती हैं, हे बहन हमको तो लगता है कि गुरुजी अब पधार गए, गुरुजी अब नहीं रहे। रोहिणी जी गई नंद बाबा को बुला के आई। नंद बाबा जी आए, कहने लगे गुरुजी, ए गुरुजी, गुरुजी उठिए, गुरुजी कुछ तो बोलिए। गुरुजी कुछ भी नहीं बोलते। यशोदा जी बोली ज्यादा हल्ला गुल्ला मत करो,
कोशिश करो आराम से उठ जाएं। नंद बाबा बोले यदि जिंदा हो तब तो उठेंगे, जैसे ही आंख देखे हाथ को पकड़े श्वसन क्रिया को देखे बोले अब तो गुरुजी पधार गए, अब गुरुजी जिंदा नहीं है। हे यशोदा अब बताओ क्या किया जाए। रोहिणी मैया भी घबरा गई, बोली एक बार और कोशिश करिए शायद गुरुजी उठ जाएं। गुरुजी क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? गुरुजी को बाकी बिहारी लाल जी संकेत करते हैं कि सुन लो ए गुरुजी, आप जो कहना चाहते हो कि साक्षात भगवान हैं, यदि आप भगवान कह दोगे तो कल से मुझे 56 भोग कौन खिलाएगा, माखन मिश्री कौन खिलाएगा। और फिर भगवान के साथ संबंध भी बड़े अच्छे नहीं होते, उनसे व्यक्ति डरता रहता है, कहता है भैया इनको पर्दा लगा दो, गेट बंद कर दो, कोई खास बात करनी हो तो बोले यहाँ भगवान बैठे हैं चलो वहां बात किया जाए। बोले मुझे भगवान ना कहो। बोले फिर? बोले मुझे साधारण ही रहने दो। रोहिणी मैया फिर कहीं हे गुरुजी जाग जाइए, सोई गुरुजी की आंखें खुल गई। नंद बाबा जी बहुत खुश हो गए, यशोदा जी चरणों को पकड़ करके प्रक्षालन करने लगी, हे गुरुजी मुझे तो बड़ी चिंता हो गई थी, अब नामकरण कर दीजिए महाराज। सोई गुरुजी ने कहा इदानीं कृष्णतां गता, इनका नाम कृष्ण होगा। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। इदानीं श्री कृष्ण गता, बोले इनका नाम कृष्ण होगा, माधव होगा, द्वारिका होगा, रणछोड़ होगा, इनके नाम अनेक अनुपा, जो जो लीला करेंगे सो सो इनका नाम बढ़ता ही चला जाएगा। और जब गुरुजी अपने घर को जाने लगे तो यशोदा जी कहने लगी हे गुरुजी कुछ प्रसाद पाके तब आप जाइए। गर्गाचार्य जी सुंदर भोजन प्रसाद बनाए, पूड़ी सब्जी खीर रसमलाई, और जैसे थाल सजा करके सामने रखे तुलसी दल डाले और भोग लगाते हैं। तुलियम वस्तु गोविंदः तुभ्यमेव समर्पये, जैसे भोग लगाए वैसे बांके बिहारी लाल जी चल तो पाते नहीं, घुटमन घुटमन चलते 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 आ गए, और थारी में जो खीर पूड़ी रखा था सो खीर को उठाए पूरा अपने मुख में लपेट लिए और दोनों हाथ से पूड़ी लिए उसको चूसने लगे। और जैसे ही गर्गाचार्य जी की आंखें खुली, आंख खुलने के बाद देखते हैं कि सारा प्रसाद कृष्ण कन्हैया जूठा कर दिया। जब प्रसाद जूठा हुआ गर्गाचार्य जी को बड़ी गुस्सा आई, कहती अरे यशोदा देखो आपका लाला ये प्रसाद जूठा कर दिया, मैं इसको कैसे ग्रहण करूं। यशोदा को बहुत गुस्सा आया। यशोदा जी कृष्ण कन्हैया को गोद में उठा के ले गई, कहने लगी लाला गुरुजी का भोजन तूने झूठा कर दिया। कन्हैया छोटे से हैं मुस्कराने लगे, यशोदा जी के गाल को पकड़ करके थपकी लगाने लगे, मुस्कराने लगे। यशोदा जी ले गई कन्हैया को पालने में लिटा दी और कहने लगी गुरुजी आप दूसरा प्रसाद बना लीजिए, मेरे बेटे से तो गलती हो गई, गुरुजी क्षमा करिए। गुरुजी कहने लगे सुनो रात्रि 11 बज रहा है,
बनाते बनाते 12 बज जाएगा। मैं बिना भोजन लिए ही चला जाऊंगा देवी, अब मुझे भोजन नहीं करना है। यशोदा जी बोली, गुरुजी मेरे घर में लाला का नामकरण किए हैं आप, भोजन करके तब जाइए। साटकट वाला भोजन बना लीजिए गुरुजी। गुरुजी ने कहा चलो भाई ठीक है। भोरी बना लिए, चोखा बना लिए और थारी में रखे और तुलसी दल डाले। जैसे ही भोग लगाए कि तुलियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय। आंख बंद किए हैं, भोग लगा रहे हैं, मेरे बांके बिहारी लाल जी जैसे इस मंत्र को सुने वैसे ही पालने से लुढ़क करके नीचे गिरे और घुटमन घुटमन चलते चलते आए। जो थाल में रखा हुआ चोखा था उसको उठाए और भौरी को दाएं बाएं ढंगलाने लगे। इधर उधर फिर गुरु जी की नेत्र जब खुला तो देखते हैं ये लाला फिर आ गया। और आज कृष्ण कन्हैया की तरफ गर्गाचार्य जी गुस्से से देखे, फिर बुलाए अरे यशोदा ये आपका लाला, देखो फिर प्रसाद झूठा कर दिया। इस बार यशोदा जी को तो बड़ी गुस्सा आई और यशोदा जी जमाई कृष्ण कन्हैया के गाल पर एक थप्पड़ मारी, दूसरे गाल पे दूसरा थप्पड़ मारी। और बांके बिहारी लाल जी को जो इतना प्यार करती थी, हाथ को पकड़ करके ऐसे उठाई और कृष्ण कन्हैया को घसीटते हुए लेते चली जा रही। ये देवियां जब अपने बच्चों से खुश रहती हैं ना तो इतना प्यार करती हैं, इतना प्यार करती हैं। पुलुलुलुलुलुलु भैया हैं, राजा हैं की भैया मार दरोगा बन जाए, डीएम बन जाए। और जब इनको गुस्सा आता है तो एक हाथ पकड़ करके जब घसीटते हुए लेकर के जाती हैं और इतना मार मारती हैं, यहाँ तक तो कितनी देवियां गुस्से में कहती हैं कहां बाटिन भगवती माई तो का उठाए ले जाते। यहाँ की देवियां तो बहुत सीधी साधी ऐसा नहीं बोलती, वो दिल्ली बॉम्बे वाली देवियां हैं जो ऐसा बोलती हैं। ये सोदा जी आज कन्हैया के गाल पर थप्पड़ मारते हुए घसीटते हुए लेकर के गईं एक कक्ष में बंद कर दिया। गुरुजी के पास आई, कहने लगी गुरुजी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्या बताऊं लाला बड़ा नटखट है। गुरुजी बोले सुनो ये देवी, दो बार भोजन बनाया, दोनों की स्थिति ये रही, अब मैं घर जाना चाहता हूँ। ये सोदा जी चरणों को पकड़ करके कहने लगी गुरुजी क्षमा करिए, अब मैं अपने लाला को एक कक्ष में बंद कर दी हूँ, अब आप चिंता ना करो गुरुजी। बोले सुनो 20 मिनट ही बचा है 12 बजने में, 12 बजे के बाद मैं भोजन नहीं ग्रहण करूंगा। बोले काम करो गुरुजी, खिचड़ी बना देते हैं, आप प्रसाद पाइए। सुंदर खिचड़ी का प्रसाद बना, जैसे थाल में सजा करके आया और जैसे सामने रखे तुलसी दल डाले और भोग लगाया। तुलियम वस्तु गोविंदः तुभ्यमेव समर्पय। कन्हैया एक कक्ष में बंद है और इस मंत्र को जैसे सुने नहीं रह पाए, सोई बगल में खिड़की लगी थी, खिड़की से ही लांग करके बाहर आ गया और बाके बिहारी लाल जी घुटमन घुटमन चलते चलते आए, खिचड़ी का प्रसाद उठाए। और इस बार तो ऐसे नहीं, जितना बन पड़ा मुख में डाले, पूरे शरीर पर लिपट गए और दो दांत प्रभु के निकले हुए थे, मुस्कराने लगे गुरुजी की तरफ देख करके। गुरुजी को बड़ी गुस्सा आई,
गुरुजी सोचने लगे कि 12 बज गया, अब आज भोजन मिलने वाला नहीं है। और गुस्से में गुरुजी सोचे मैं क्या करूं छोटे से लाला को, क्यों ये दूसरे का लाला है यशोदा का। पता है जब पड़ोसी का बेटा कोई गलती करता है, मारने का मन करता है, तो पहले आदमी कहता है इसके मम्मी पापा तो नहीं देख रहे हैं, और जब नहीं दिखते फटाक से मारता, बहुत बदमाशी करता। आज गुरुजी जैसे देखे कि यशोदा नहीं दिख रही है, तो ही गाल पर एक थपकी लगाए कृष्ण कन्हैया के गाल पर, कन्हैया उदास हो गए। बोले ए गुरुजी मेरी क्या गलती है, एक बार आप बुलाते हो कि तुलियम वस्तु गोविंद, हे गोविंद आप आ जाओ, आपके बुलाने पर मैं आता हूँ। आप दो बार बुलाए मेरा अपमान करके मुझे भेज दिए, तीसरी बार आप मुझे बुलाए, जब आप बुलाते हैं तो मैं आता हूँ, और मेरे आने के बाद आप इतनी जोर से मेरे गाल पर थप्पड़ मार दिए। सोई गर्गाचार्य जी के नेत्रों से भाव के आंसू छलक पड़े। बोले हे गोविंद हे कृष्ण कन्हैया, मेरे जैसा भाग्य किसका हो सकता है। कन्हैया तुम्हारे मुख का ये जूठन प्रसाद मुझे ग्रहण करने को मिल रहा है। बांके बिहारी लाल जी के गाल पर जो प्रसाद लगा था, उस प्रसाद को उठा उठा करके थारी में जो लगा था प्रसाद, उसको गर्गाचार्य जी पाने लगे। यशोदा जी जब आई देखती है कि उसी थारी में कन्हैया भी भोजन ग्रहण कर रहे हैं, और उसी थारी में गुरु जी भी प्रसाद पा रहे हैं। यशोदा जी देखते हुए आई, कहने लगी गुरु जी क्या कर रहे हो। गुरु जी रोते हुए कहने लगे हे यशोदा अब कुछ न कहो, मेरे जैसा सौभाग्य इस दुनिया में किसी और का नहीं हो सकता। गुरु जी को सुंदर दक्षिणा दिया गया, गुरु जी अपने घर को गए, और आज नंद बाबा जी पूजा गृह में बैठे हैं, और पूजा करते समय शालिग्राम भगवान को उठाते हैं, दुग्ध से स्नान कराते हैं, घृत से स्नान कराते हैं, मधु से स्नान कराते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया बैठे बैठे देख रहे हैं, ये कौन से भगवान है, इतनी सेवा हो रही है, ये कौन भगवान है। सोई जैसे ही नंद बाबा जी माला का जाप करना शुरू किए, वैसे कृष्ण कन्हैया गए, शालिग्राम भगवान को उठाए और मुख में डालकर के चूसने लगे। बोले इतना बढ़िया चॉकलेट फिर मिलने वाला नहीं है। इतने में जैसे ही नंद बाबा जी आंखें खोले, तुलसी दल लेने लगे, तो वहां शालिग्राम भगवान है ही नहीं। कहते अरे यशोदा, अरे ये अपने शालिग्राम भगवान जी कहां चले गए। यशोदा जी आई, शालिग्राम भगवान जी को ढूंढने लगी। कृष्ण कन्हैया बाहर निकल करके शालिग्राम भगवान को चूस रहे हैं, और जैसे ही एक तरफ गाल उठा हुआ था, यशोदा जी थप्पड़ मारी गाल पे, तो इस शालिग्राम भगवान जी बाहर आ गए। नंद बाबा जी शालिग्राम भगवान को स्नान करा करके पुनः बैठा दिए, और आज मेरे बांके बिहारी लाल जी धीरे धीरे चलने लगते हैं, और चलने ही नहीं लगते, आज तो एक हाथ सर पे रख देते हैं, और दूसरा हाथ कमर पर रख देते हैं, और यशोदा जी की तरफ कहते मैया देखो मैं नाच रहा हूँ। सूरदास जी भी मौन नहीं रह पाए, सूरदास जी गाने लगे, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, 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 नचावे हरि की मैया।
नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल। Yeah।
डबरियो गोकुल में पग धरो रे कन्हैया, गोकुल में पग धरो रे कन्हैया। इटहा ग्राम सभा में सारी लीला को कर रहे हैं, कर ही रहे हैं, उसमें कहां संदेह है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन आज बांके बिहारी लाल जी मनसोखा श्री दामा को बुलाते हैं अपने मित्रों को। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात अस्तेयम् स्वद्यतयः दधिपयः कल्पिते अस्तेयोगेह सह। आज बांके बिहारी लाल जी मनसुखा को बुलाते हैं, कहते हैं मनसुखा लाला तेरा तन भी सूखा है, भैया तेरा मन भी सूखा है, तू इतना दुबला पतला कैसे हो गया। मनसुखा कहने लगा, कृष्ण कन्हैया मेरे घर में गैया नहीं है और तू तो चकाचक दूध पीता है, सोई मैं इतना दुबला पतला हो गया। कन्हैया बोले, पड़ोसी के घर में गैया है। मनसुखा बोले, पड़ोसी की गाय मेरे किस काम की। बोले, चिंता ना करो ए लाला, आज बांके बिहारी लाल जी चौर विद्या प्रसार मंडल एक मंडल ही बना लिए, जिस मंडल में श्री दामा मनसुखा कृष्ण गैया कृष्ण कन्हैया दाऊ भैया सारे लोग गोपियों के घर में जा जा करके चोरी करते। एक गोपी के घर में जैसे गए, उसके घर में जितना छाछ था सारे छाछ को पी गई, जितना घर में मक्खन था सारे मक्खन को पी गई। और पी करके जब निकलने लगे, मनसुखा से बोले, मनसुखा
अब तेरे को पता लग गया ना चोरी कैसे किया जाता है। मनसुखा बोले, हे कृष्ण कन्हैया, ये चोरी भी करना हो यदि तो तुम्हारे ही साथ अच्छा लगता है। बोले सुनो, आज का काम बन गया, चलो घर चल चलते। और दूसरे दिन मनसुखा को लेकर के जैसे उस गोपी के घर में गए, वो गोपी सावधान हो गई। आज अपने घर में मक्खन को छीजे पर टांग करके रखा है। और जैसे कृष्ण कन्हैया मनसुखा को लेकर के गए, कहने लगे, हे मनसुखा, तू हल्का फुल्का है लाला, एक काम कर, हम लोग नीचे खड़े हो जाते हैं और आप मेरे कंधे पर दोनों पांव रख करके ये जो छांच है नीचे लेकर के चले जाओ। मनसुखा बोले, ठीक है भैया। हे कृष्ण कन्हैया, श्री दामा दाऊ भैया, कृष्ण कन्हैया गोल चक्कर में खड़े हो गए। और मनसुखा जैसे ही उस मटके को लिए, सोचने लगे कि जरा सा चक करके तो देखूं। जैसे चक करके देखते ही इतना स्वादिष्ट, सोई जो नीचे थे कृष्ण कन्हैया दाऊ भैया वो ऊपर तो देख नहीं रहे हैं, सबका मुख नीचे है। मनसुखा बोले, कोई मेरी तरफ देख नहीं रहा है। सोई उस मटके को उठाया और मुख को खोले, गड़गड़ गड़गड़ करके पीने लगे। इतने में कृष्ण कन्हैया नीचे से बगल हो गए और मनसुखा धड़ाम से नीचे गिर पड़े। मनसुखा जैसे नीचे गिरे, जोर जोर से रोने लगे। बोले, हे कृष्ण कन्हैया, इतना ही नहीं, मनसुखा कृष्ण कन्हैया को गाली देने लगा। ए मनसुखा, ए सारे, ए कृष्ण कन्हैया, आज जैसे ही कन्हैया को गाली दे दिए मनसुखा, सोई कन्हैया बोले, ए मनसुखा सुन लो। मनसुखा ने कहा, कृष्ण कन्हैया मुझे कुछ सुनना नहीं है, एक बात बताओ, आप कितने धोखेबाज हो। बोले, मैं नीचे खड़ा हूँ, ऊपर से जाओ तुम लेकर के आ जाओ। आपने गलत काम किया ना। कन्हैया बोले, सुनो मनसुखा, दुनिया में मैं हर प्राणी को शाम तक भोजन देता हूँ, किसी को भूखा नहीं सुलाता। हर जीव को मैं भोजन देता हूं, चर चराचर जैसा भी जीव है, लेकिन भोजन छीन भी लेता हूं। बोले, कैसे? बोले, जो इस दुनिया में मैं जिसको भोजन देता हूं, जब वो बांट करके खाता है तो उसके घर में भोजन की बढ़ोतरी होने लगती है, और जब वो चोरी से सोचता है कि मैं ही ग्रहण कर लूं, सो इसका भोजन मैं छीन लेता हूं। मनसुखा, तुम्हें दुग्ध पान कराने के लिए, मक्खन खिलाने के लिए तुम्हें चोर बना, अपनी बदनामी किया, और तुम मुझसे ही चोरी करना शुरू कर दिया। सुन ले मनसुखा, जीवन में कभी अकेले नहीं खाना चाहिए, जो भी हो घर में बांट बांट करके खाना चाहिए। और आज कन्हैया सारी गोकुल में ऊधम मचा दिया, और समस्त गोपियां आज कृष्ण कन्हैया के घर पे जाकर के यशोदा से उलहना देना चाहती हैं। इतने में जैसे गोपियां घर से बाहर निकली, बगल वाली गोपी पूछने लगी, बहन कहाँ जा रही हो? अरे बोले, क्या बताऊं, मेरे घर में वो लाला कृष्ण कन्हैया आया था, मेरे घर में मटके को फोल डाला। कोई कहती, मेरे घर का जो मक्खन था सब पी गया, पूरा छाछ पी गया, मैं उलहना देने के लिए जा रही हूँ। जो नई नई गोपियां थी सोचने लगी, इनके इनके घरों में तो कृष्ण कन्हैया गए, मेरे घर में आए नहीं। सो गई चोरी से, एक पत्थर उठाई, अपने घर में खुद ही मटका फोड़ दी। सोचने लगी, जिन मटकों में मेरे प्रभु प्रसाद नहीं पाए, मक्खन नहीं खाए, ऐसे मटके को तो फोड़ डालो ही ठीक है।
और फोड़ करके अपनी सासू अम्मा के पास गई, बोली अम्मा अरे वो कृष्ण कन्हैया आया था, अभी देखो मटका फोड़ करके चला गया और ये सब गोपियां जा रही हैं, मैं भी जा रही हूँ, लहना दे करके चली आऊंगी। सासू माँ ने कहा तुरंत जाओ जाओ बता के आओ। सारी गोपियां गई। आज यशोदा जी के द्वार पर यशोदा जी से कहने लगी, अरे ओ यशोदा सुनती हो, तेरो लाला ने तो मेरे घर में गयो है, ऊधम मचावे है। यशोदा जी दरवाजा खोल बाहर आ रहा, कहने लगी हरी गोपी तुम कहना क्या चाहती हो? बोले आपका लाला कृष्ण कन्हैया मेरे घर में गया, सारे मटके को फोड़ डाला, बहुत सारा छाछ चुरा डाला, बड़ा उधम मचाया है। सो आज कृष्ण कन्हैया सो रहे थे, आंखों में काजल लगा था। जैसे ही यशोदा से बताएं, यशोदा जी को गुस्सा आया। यशोदा जी कहने लगी ओ कृष्ण कन्हैया, ओ कन्हुआ लाला तू पहले बाहर आ जा। बाकी बिहारी लाल जी दोनों मुट्ठी से अपनी आंख को ऐसे ऐसे करते आए, पूरे गाल पे काजल लग गया। और जैसे आए यशोदा जी का जो आंचल था पकड़ करके छिप गए। सारी गोपियां कहने लगी एक गोपी से कि ओ गोपी यदि कन्हैया छिप ही गया तो लहना देने का कोई मतलब ही नहीं। देखे बिन कान्हा को जब जी नहीं माना, इन आंखों ने आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, गोपियों का ताना उलहना तो बहाना है। ये तो बहाना है कृष्ण दर्शन लालसा। सारी गोपी आई, सारी गोपी कहने लगी क्या बताऊं हे बहन, ये लाला मेरो घर में गयो सो चोरी तो कियो, माखन मिश्री भी खायो है। बहन एक बात बताओ, ये खुद मांग ले, मैं इसको बिना चोरी का दे दूंगी, मांगता भी नहीं है और खुद खाए तो भी ठीक है, ग्वाल बालों को खिलाता है। कन्हैया बोले मैया आप ही तो कहती हो ना कि अकेले नहीं खाना चाहिए, बांट के खाना चाहिए, सो बांट के खाता हूँ। यशोदा जी कहने लगी तो क्यों चोरी करता है तू लाला? बोले मैया मैं चोरी नहीं करता, ये झूठे दोष लगावे हैं मैया मेरे ऊपर, झूठा दोष लगा रही हैं। एक गोपी बोली हे बहन ये मेरे घर में जाता मांग करके खा लेता, चलो चोरी करके भी खा लेता, लेकिन ये मरकान भक्षण थी, ये बंदरों को बांट बांट करके खिलाता है। कन्हैया बोले रामा अवतार में यही बंदर मेरी सारी समस्या का निदान किए, मैं इनको कुछ खिला पिला नहीं पाया तो रामा अवतार में कुछ नहीं कर पाया, तो कृष्णा अवतार में मैं सोचा कुछ खिला पिला, सो ये बंदरों को भी मैं खिलाता। बोले इतना ही नहीं, एक गोपी ने कहा भांडम भिनक्ति, मेरे घर में जो मटके हैं सो मटकों को भी ये फोड़ देता है। कन्हैया बोले हे मैया इनके घर का मटका ही कमजोर है तो मैं क्या करूं। आहा तब तक एक गोपी ने क्या कहा, कहा बहन इतनी बात तो जाने दो, जो हुआ सो हुआ, ये लाला मेरे घर में तो ऐसा उधम मचाया, बहन क्या बताऊं। यशोदा जी को गुस्सा आया, बोले तेरे घर में क्या करके दिखा दिया, आंखें दिखा दिखा के बात करती हो। बोली बहन सुनोगी तो कहोगी। बोले क्या किया? बोले बहन मेरा बाल लंबा है और मेरे पतिदेव की दाढ़ी लंबी है, हम लोग रात्रि में सो रहे थे और ये कृष्ण कन्हैया गया मेरे पतिदेव की दाढ़ी में मेरे बाल को रात में बांध कर कस दिया
और तो और क्या बताऊं, मेरे पतिदेव 12 से 2 के बीच में जल ग्रहण करते हैं, रात को उठते हैं, वैसे ही रात्रि 12 बजा सोई मेरे पतिदेव जैसे उठे मेरा बाल खींचने लगा। मैं बोलती कि क्या कर रहे हो, और वो बोलते क्या कर रही हो, कर रहे हो, कर रही हो के चक्कर में मेरे सर का आधा बाल चला गया और मेरे पतिदेव की आधी दाढ़ी चली गई। एक गोपी ने कहा क्या बताऊं, ये कृष्ण कन्हैया तो मेरे घर में गजब उधम मचाए। यशोदा जी बोली तू भी बता ले तेरे घर में कृष्ण कन्हैया ने क्या किया। बोले मैं बैठी थी, पंडित जी आए थे, सत्यनारायण व्रत की कथा सुना रहे थे, सोई सिंहासन पर एक कुत्ते का पिल्ला ले आकर के बिठा दिया। बोले भाभी जी ये तेरो सत्यनारायण भगवान जी आ गए। तीसरी गोपी ने कहा इतना ही नहीं बहन, और भी शिकायत है इसकी। कन्हैया सुनते सुनते गुस्सा आ गया प्रभु को, कहने लगे अरे गोपी ए मैया, नौ लख गैया नंद भवन में नित नव माखन भो। मेरे घर में मटकों में जाके देख करके आओ, तुम्हारे घर में छोटे छोटे मटके हैं और मेरे घर में जो मटके हैं उसमें कई टन मक्खन आते हैं, और इतने गैया हैं मेरे घर में कि तुम्हारे घर में भी इतनी गैया नहीं है। सुन लो, यदि तुम मुझे चोर कहती हो तो रंगे हाथ पकड़ करके दिखाओ। कन्हैया बोले हाथ पकड़ करके दिखाओ ना, मैं चोर हूं तो। और आज उस गोपी के घर में कृष्ण कन्हैया चोरी करने के लिए गए, चैलेंज दे करके कि मैं चोरी करने आ रहा हूं तुम पकड़ करके दिखा दो। जैसे नंद के घर से आज प्रभु निकले और सारे सखाओं को लेकर के गए, गोपी के घर में जो मटका रखा था ऐसे उतार ही रहे थे कि गोपी आई, कृष्ण कन्हैया के हाथ को पकड़ ली और गाल पर थप्पड़ लगाई। हे कन्हैया, अरे चोर माखन चोर, आज तो तू पकड़ा गया, अब तू क्या जवाब देगा। दूसरी गोपी आई, कहने लगी सुन पहले इसका हाथ छोड़ दे। तो बोले फिर बोले ए कृष्ण कन्हैया तू जरा सा ठुमका लगा के नाच दे। कन्हैया बोले तो उससे क्या होगा। बोले तुझे मक्खन मिलेगा। गोपियों की प्रबल भक्ति को देख करके मेरे बांके बिहारी लाल जी ठुमका भी लगा लिया। ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। एक गोपी ने कहा सुनो इसको आज छोड़ दो, जाने दो, आज नाच करके दिखाया है। गोपी ने कहा आज मैं इसको छोड़ने वाली नहीं हूँ, रंगे हाथ पकड़ करके ले जाऊंगी। वो गोपी कृष्ण कन्हैया का हाथ पकड़ी और घसीटते हुए लेकर के चली जा रही है यशोदा के द्वार पर। कन्हैया बोले ए गोपी ए भाभी मेरे हाथ को तो छोड़ दो। लेकिन वो गोपी कन्हैया के हाथ को छोड़ती नहीं। भाई प्रभु का हाथ कोई अगर पा जाए तो कौन छोड़ने वाला है। गोपी कहती है ना तूने मुझे चैलेंज दिया था ना कि पकड़ करके दिखाना, तो मैं पकड़ करके दिखाऊंगी आज यशोदा के द्वार पे। जैसे घसीटते हुए लेकर के चली जा रही है इतने में गोपी का पति आ गया। गोपी का पति कहने लगा रे क्या कर रही हो। गुस्से में गोपी कुछ सुन नहीं पाई। कन्हैया बोले
ए गोपी ए भाभी। गोपी ने कहा, बोलो। बोले, मेरे दाएं हाथ को छोड़ दो, दर्द हो रहा है। मेरे बाएं हाथ को पकड़ लो। सुई कन्हैया अपना दाया हाथ छटकाए और बाएं हाथ पकड़ाने के चक्कर में प्यारे गोपी के पति का ही हाथ पकड़ा दिया। आज बहुत बहुत साधुवाद आपको, हमारे परम श्रद्धेय श्री राजकुमार पांडे जी, प्रेम के पूरा से, जो आप संस्कृत पाठशाला के मैनेजर और प्रिंसिपल जी भी हैं। बहुत सुंदर लगा आप कथा पंडाल में आए। बहुत बहुत व्यासपीठ से आपको साधुवाद। आप कथा के बड़े रसिक हैं। एक बार चर्चा करने लगे कि व्यास जी, मैं कथा तो बहुत सुनता रहता हूँ। एक बार मेरा विचार है कि सिर्फ आप सुनाइए और मैं सुनता रहूं, बाकी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। सो ही मैंने कहा, वो अवसर आएगा तो यहाँ आकर के कथा सुनने का अवसर आ गया। प्यारे, आज जैसे ही कृष्ण कन्हैया हाथ जो पकड़ करके जा रहे थे हमारे प्रेम की पुरा से पधारे हुए बाबा दुबे जी, जिनका ये सुंदर मंच और ये सुंदर पंडाल, जैसे ही आपको पता लगा कि भागवत जी की कथा में ये सब लगने वाला है, बोले भागवत जी की कथा में मैं रेट करता ही नहीं हूँ, कथा आयोजन कराने वाला जो ही दे देता है, मैं अपना टेंट पंडाल वैसे ही लगा देता हूँ। आपके लिए एक बार ताली बजा लो भैया। ऐसे श्रद्धावान इस दुनिया में कहाँ मिलते हैं प्यारे। और आज होता क्या है कि गोपी कृष्ण कन्हैया का हाथ पकड़ करके जैसे चलने लगी, सोई कन्हैया बोले, भाभी मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मेरे हाथ को छोड़ दो, बाएं हाथ को पकड़ लो। सोई कृष्ण कन्हैया अपने हाथ को तो छुड़ा लिए, लेकिन दूसरा हाथ अपना नहीं पकड़ा है, गोपी के पति का ही पकड़ा दिया। पति पूछ रहा है, कहां ले जा रही हो? गोपी कह रही है, चुप रहो, बोलो मत। घसीटते हुए जैसे लेके गई, कहती, अरे यशोदा, देखो तुम्हारा लाला मैं रंगे हाथ पकड़ करके लाई हूं। सो यशोदा जैसे दरवाजा खोलती हैं, कहती, क्या करी है? बोले, ये देखो तुम्हारा लाला मेरे घर में माखन चोरी कियो है, सोई घसीट करके लेके आई हूं। यशोदा जी बोली, ये मेरा लाला नहीं, ये तो तुम्हारा भतार है। वत्सान मुंचन समय क्रोश संजात हासम। मेरे बांके बिहारी लाल जी सुंदर लीलाओं को करते 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 आज ब्रह्मांड घाट पर पहुंच गए, और ब्रह्मांड घाट पर एक मिट्टी का कण उठाए और अपने मुख में डाल दिया। दाऊ भैया कहने लगे, सुनो, मैं मैया से बता दूंगा कि आप मिट्टी खाए हो। कृष्ण कन्हैया बोले, सुनो ये दाऊ भैया, यदि मैया से बताओगे कि मैंने मिट्टी खाई है तो मैं बता दूंगा कि दाऊ भैया भांग का गोला खाए हैं। और आज जैसे घर में आए, दाऊ भैया कहने लगे, मैया, कृष्ण कन्हैया मुख में मिट्टी खाया है। कन्हैया बोले, सुनो मैया, ना हम भक्षितवानम् सर्वे मिथ्या विसंसिनः त्वमेको गृहमानाना समक्षम पक्ष मे मुखम्।
हे मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है, और यदि कहो तो समक्षम पक्ष में मुखम कहो तो मैं अपना मुख खोल करके दिखा दूं। यशोदा जी बोली, हाँ लाला तू अपना मुख खोल के तो दिखा। जैसे ही प्रभु मुख को खोले, आज यशोदा जी समस्त ब्रह्मांड का दर्शन करने लगे। कहती हैं, हे प्राणनाथ, ओ नंद बाबा, अरे देखो तो सही, अपने बेटे के मुख में ब्रह्मांड दिखाई पड़ रहा है। तो ये नंद बाबा बोले, सुनो, 60 वर्ष के बाद ऐसे ही दिखता है। बांके बिहारी लाल जी अपनी योग माया के बल से आज जो मैया के मन में भाव बना था उसको हटाए और बात्सल्य भाव ले आए। और आज कन्हैया बोलते, मैया एक बात बताओ, मुझे भूख लगी है। मैया कृष्ण कन्हैया को दुग्ध पान करा रहे हैं। मैया को अपने लाला को दुग्ध पान कराना चाहिए, शास्त्र कहता है। पहले के जमाने में जब व्यक्ति लड़ता था तो कहता था, यदि माँ का दूध पिया है तो फिर आ जा। अब तो होता क्या है, माँ छोटा बोतल पिलाती है बच्चे को, और जब बड़ा होता है तो बेटा बड़ा बोतल पीना शुरू कर देता है। माँ को अपने बच्चे को दुग्ध पान कराना चाहिए। और आज दुग्ध पान कराते समय आज कृष्ण कन्हैया जोर जोर से रोने लगते हैं, और सूरदास जी भी मौन नहीं रह पाए। आज यशोदा जी कहती हैं, लाला तुम्हें क्या चाहिए? कन्हैया बोले, मैया मुझे कुछ नहीं, मुझे चंदा चाहिए। क्या करोगे? बोले खेलूंगा। सूरदास जी भी मौन नहीं रह पाए। मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना
कन्हैया। मैया कहने लगी, ओ लाला चंदा से भी अच्छी वस्तु है। बोले वो क्या है? बोले तुम्हारे लिए लाला मैं दुल्हनिया ला दूं। दुल्हनिया ऐसी होती है कि खेलते खेलते जीवन कम बीत जाता है, पता नहीं लगता। बोले सुंदर दुल्हनिया ला दूं। कन्हैया बोले मुझे चंदा नहीं चाहिए, ओ मैया मुझे एक दुल्हनिया ला दो। और वो भी कैसे? राधिका गोरी से, विरज की छोरी से। राधिका गोरी से, विरज की छोरी से। मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से, विरज की छोरी से। मैया करा दे मेरो प्यार। नजर तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है।
लाला जब मैं तेरी शादी करा दूंगा तो दुल्हनिया क्या करोगे? कन्हैया बोले, दुल्हनिया को जेब में डाल के गैया चराने जाऊंगा। मेरे बांके बिहारी लाल जी गोकुल में इन इन लीलाओं को करते हुए प्यारे बांके बिहारी लाल जी रंध्राण वीणुर धर सुधया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्य स्वपद रमण प्रविशद गीत कीर्ति। मेरे बांके बिहारी लाल जी सुंदर गैया को वृंदावन में चराने के लिए चले जाते हैं। इतने में ब्रह्मा जी को ये समझ में आया कि यदि ये परमात्मा होते तो इनको गाय चराने की क्या जरूरत है। दूसरी बात, ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचाए। सोचने लगे कि ये कृष्ण कन्हैया ये भगवान कैसे? आज बांके बिहारी लाल जी गाय चरा रहे हैं, सारे सखाओं को बुलाते हैं, सब कुछ ना कुछ लेकर के आते हैं, प्रभु को देते हैं, सब पाते हैं, लेकिन प्यारे मधुमंगल से कहते हैं, ए मधुमंगल तुम भी जाओ अपने घर से कुछ ले आओ। मधुमंगल बहुत गरीब है। मधुमंगल बहुत गरीब परिवार से। मधुमंगल अपने घर में जाते हैं, मैया से कहते हैं घर में कुछ है? माँ कहने लगती है क्या करोगे लाला, अभी आज के लिए प्रसाद है, कल की चिंता है, लेकिन गोविंद है, सब कुछ करेंगे, कोई चिंता करने की बात नहीं। जो घर में प्रभु गोविंद जी को भोग लगा करके प्रसाद पाता है उसके घर में कभी भोजन की कमी नहीं होती। यदि चाहते हो कि घर में धन धान्य सदैव बना रहे, कभी गरीबी ना आए, तो सुबह और सायंकाल जो भी घर में भोजन बनाओ तुलसी दल डाल करके भोग लगा करके तभी पाओ। यूं समझो कि भोजन घर में जो हम बना रहे हैं वो घर वालों के लिए नहीं, मैं गोविंद के लिए बना रहा हूं। आज हो क्या रहा है? मैं पहले बताया था ना कि भजन संभालना चाहते हो, सुधारना चाहते हो तो पहले भोजन को सुधारो। और जो देवियां भोजन बनाते समय जिसकी जैसी मानसिकता होती है वैसे भोजन पर उसका प्रभाव पड़ता है, और फिर उसको जो ग्रहण करता है उसके ऊपर भी वैसा ही प्रभाव पड़ता है। आज की देवियां भोजन बनाते समय भजन करके नहीं बनाती भोजन। कितनी देवियां तो भोजपुरी गीत गा करके भोजन बनाती हैं, तो कोई फिल्मी गीत गा करके। और जो रसोई हो वहां अन्नपूर्णा देवी जी की एक प्रतिमा लगानी चाहिए। जो इतना कार्य करता है ना, भजन करके भोजन बनाता है, उसको अपने घर में भजन के लिए कहना नहीं पड़ता है। घर में जो बालक जो परिवार होता है अपने आप भजनानंदी बन जाते हैं। इसलिए सदैव भोजन के चक्कर में तो कितने लोग दीक्षा नहीं लेते। एक पति मुझसे दीक्षा लेने को तैयार हुआ तो पत्नी कहती ना जी मैं नहीं लूंगी। मैं बहुत परेशान हुआ कि इसने मेरे अंदर क्या कमी देख लिया कि मुझे गुरु नहीं बना रही है। मैं बुला करके एकांत में पूछा, देवी जी मेरे अंदर आपने ऐसी क्या कमी देखा कि पति देव दीक्षा लेना चाहते आप नहीं? बोले महाराज मैंने सुना है कि यदि मैं दीक्षा ले लूंगी तो फिर मैं लहसुन प्याज नहीं खा पाऊंगा और बाहर का चाट पकौड़ा सब मना हो जाएगा, सोई मैं दीक्षा लेने वाली नहीं हूं। भोजन से भजन सुधरता है। मधुमंगल की मैया बोली, सुनो ए लाला, घर में कुछ भी नहीं है, कहना क्या चाहते हो? मधुमंगल बोले कि कृष्ण कन्हैया कुछ प्रसाद मंगाया है, क्या ले जाऊं?
मधुमंगल की मैया कहने लगी, सुनो घर में एक मटके में कढ़ी रखा हुआ है, लेकिन लाला अब तो बीत गया है, उसका स्वाद बिगड़ गया होगा। मधुमंगल गए उस मटके को लिए और गोविंद के पास जैसे जाने लगे, मेरे प्रभु वंशी विभूषित करा नवनीर दाभा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रा। मेरे प्रभु बांसुरी के तान छेड़े थे और जैसे मधुमंगल आते हुए दिखाई पड़े सोई बांसुरी रख दिए और मधुमंगल की तरफ दौड़े। मधुमंगल सोचने लगे कि ये कृष्ण कन्हैया दौड़ता हुआ चला रहा है और ये मटके में जो कढ़ी रखा हुआ है कहीं ऐसा ना हो कि कढ़ी में खटास हो और मेरा ये मित्र कृष्ण कन्हैया इसको पाए बीमार पड़ जाए। सोई मधुमंगल उस कढ़ी को उठाए घट घट करके पीने लगे। मेरे बांके बिहारी लाल जी दौड़ते हुए आए और मधुमंगल के गाल से जो नीचे कढ़ी गिर रहा था उसको चाट चाट करके पाने लगे। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि यदि कोई भगवान होते, कोई परमात्मा होते तो ये सखाओं का, ये यदुवंशियों का, ये ओठों के नीचे जो गिर रहा है जिह्वा से चाट चाट करके ये खा रहे हैं, ये भगवान नहीं हो सकते। तो प्रभु जैसे ही गैया चराने गए ना, ब्रह्मा जी सारे गाय बछड़े को उठा ले गए। ब्रह्मलोक वृंदावन में ना तो कोई गाय ना तो कोई बछड़ा, मेरे प्रभु पुनः गैया बछड़ा बना दिए। और ब्रह्मा जी सोचने लगे ब्रह्मलोक से कि देखो वृंदावन में क्या हो रहा है। जब देखते हैं तो गाय भी वही, बछड़े भी वही। इतने में बांके बिहारी लाल जी ब्रह्मा का रूप धारण करके ब्रह्मलोक पहुंच गए। द्वारपालों से बोले, ओ द्वारपालों ध्यान से सुन लो, इस समय नकली ब्रह्मा जी आ गए हैं और मैं सिंहासन पे बैठ रहा हूँ, कोई ब्रह्मा के रूप में आए तो अंदर मत आने देना। बोले ठीक है। बांके बिहारी लाल जी ब्रह्मा के रूप में बैठ गए। प्यारे जैसे ही सही सही ब्रह्मा जी आए द्वारपालों ने रोक लिया, कहा कहां जा रहे हो, मेरे ब्रह्मा जी तो अंदर बैठे हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने ब्रह्मा जी को तो दिखा दो। जैसे दरवाजा खोलते हैं ब्रह्मा जी साक्षात प्रभु बांके बिहारी लाल जी को देख करके क्षमा मांगने लगे। हे गोविंद संशय आत्मविनश्यति, भक्ति में संशय नहीं करना चाहिए। पिता गुरुस्तम जगताम धीसो, आप ही जगत के माता पिता हो। संशय आत्मविनश्यति, मुझे क्षमा करो। प्रभु क्षमा कर दिए। बांके बिहारी लाल जी इन लीलाओं को करते हुए प्रभु यमलार्जुन पद को दर्शन देते हुए मुक्त किए और अघासुर बकासुर वृत्तासुर इन असुरों की चर्चा करने से कोई फायदा, इतना कीमती समय है। मेरे बांके बिहारी लाल जी इन असुरों का उद्धार करते हुए आज प्रभु आप सब जानते ही हैं कालिया नाग पर भी कृपा किए। कृपा करते करते आज घर में देखते क्या है कि सुंदर छप्पन भोग बन रहा है। पूछते मैया ये छप्पन भोग किसके लिए बन रहा है। बोले ये इंद्र के लिए बन रहा है, इंद्र की पूजा होती है। कन्हैया बोले इंद्र की पूजा छोड़ दो, गिरिराज की पूजा करो। गिरिराज भगवान इंद्र से भी बड़े हैं। बोले लाला वो कैसे होता है। बोले सुनो ये गिरिराज भगवान हैं, पहले जाओ तुम लोग स्नान कराओ। श्री दामा मनसुखा दाऊ भैया गए गिरिराज को स्नान कराने लगे। कहने लगे ओ भैया क्या बताऊं, तेरा गिरिराज कैसा है कि सुबह से शाम हो गया
अभी चरण भी हम नहीं प्रक्षालन कर पाए। मेरे बांके बिहारी लाल जी वृंदावन में एक मानसी गंगा जी का प्रागट्य कर दिए। बोलिए मानसी गंगा मैया की जय। कितने लोग वृंदावन गए हाथ उठाओ। वृंदावन कौन कौन गया है? जो ना गए हो ना कल से घर में झगड़ा करके जाना। जीवन में यदि वृंदावन नहीं गए ना तो भैया कोई तीर्थ यात्रा संपन्न नहीं हुआ, यो समझ लीजिए। एक मानसी गंगा जी का प्रागट्य हुआ। गिरिराज कोई और नहीं, एक रूप में बांके बिहारी लाल जी बैठे हैं और दूसरे रूप में गिरिराज भगवान जी। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनक कपिसं वैजयन्ती च माला रन्ध्राण वेणुरधर सुधया पूर्यन् गोप वृन्दे वृन्दारण्य स्वपद रमण प्रविशद गीत के। अब जैसे ही गिरिराज भगवान जी का पूजन हो रहा था, सोई पूजन होते होते 56 प्रकार का व्यंजन सारा गिरिराज पाते चले जा रहे हैं। मन सूखा बोले ए कृष्ण कन्हैया, भैया तेरा गिरिराज कैसा है? सारा प्रसाद पाता चला जा रहा है, हम लोगों के लिए तो कुछ बच ही नहीं रहा है। कन्हैया बोले सुनो ग्वाल वालो, तुम भी प्रसाद पा लो। और इंद्र को जब पता लगा कि जहां मेरी पूजा होती थी वहां ये कौन से गिरिराज आ गए, और आज इंद्र को बहुत गुस्सा आई और जल वृष्टि करने लगे। वृंदावन प्यारे जल में डूबने लगा, एकदम त्राहिमाम होने लगा। मेरे बांके बिहारी लाल जी ने क्या किया, सात कोस के गिरिराज को, सात वर्ष के कृष्ण कन्हैया अपने बाएं हाथ के कनिष्ठिका के नखाग्र भाग पर गिरिराज को धारण कर लिए। बोलिए गिरिराज भगवान की जय। नख पर जब गिरिराज को धारण किए, सारे ग्वाल बाल को अंदर बुला लिए और अंदर बुलाकर कहने लगे छाए में आ जाओ। आज यशोदा जी कहने लगी कृष्ण कन्हैया अब हम लोग बचने वाले नहीं हैं। इंद्र तो भी अच्छा था, कम से कम पूजा करने पर ये सब तो नहीं करता था। और लाला तेरा गिरिराज कैसा है? बोले चिंता ना करो मैया, अगस्त मुनि को बुलाए और सारा जल पीते चले जा रहे हैं। राम अवतार में सीता जी ने एक बार कहा प्रभु से कि प्रभु कोई ब्राह्मण ले आओ, मैं भोजन कराना चाहती हूँ। सोई राम जी गए, एक साधारण ब्राह्मण को ले आए। जैसे ब्राह्मण जी दो फुलका खाए बोले आहा बस हो गया। सीता जी बोली कोई तगड़ा मोटा ताजा ब्राह्मण ले आओ। महाराज हे प्राणनाथ, ये दुबला पतला ब्राह्मण ये ठीक नहीं है। प्रभु गए अगस्त मुनि को लेकर के चले आए। अगस्त मुनि जी भोजन प्रसाद पाते चले जा रहे हैं। सीता जी जितना प्रसाद बनाई थी सारे प्रसाद को पा गए। सीता जी गणेश जी को बुलाई, रिद्धि सिद्धि भी आ गए। गणेश जी अरे आज आपके पिताजी ने ऐसे ब्राह्मण को आमंत्रित किया है जो संतुष्ट हो करके चले जाएं तो भगवत कृपा। गणेश जी गमछा कमर में बांधे, पौना से खूब पूड़ी सब्जी निकालने लगे। रिद्धि सिद्धि जी भी परेशान, जितना भोजन प्रसाद बनता जा रहा है सारा प्रसाद अगस्त मुनि जी पाते चले जा रहे हैं। और प्यारे सीता जी कहीं ए गणेश जी शांत रहो जरा, मैं इसकी मिट समझ लूं कि कितना और प्रसाद बनाना पड़ेगा। तो कैसे पूछती सीता जी ने कहा ब्राह्मण देवता
एक बात बताई है, हमारे यहाँ का नियम है कि बीच में जल ग्रहण किया जाता है। अगस्त मुनि बोले, चिंता न करो, जब बीच आएगा तो मैं भी जल ग्रहण कर लूंगा। सीता जी सोचने लगी कि अभी बीच भी नहीं आया है, सोई और बहुत सारा प्रसाद बना, सारा प्रसाद अगस्त मुनि जी पाते चले जा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि जी कहने लगी सीता जी से, अब मेरे बस का नहीं रहा, गणेश जी भी थक हार गए। सीता जी आई, कहने लगी ब्राह्मण देवता, और बताइए कैसे हो आप? सोची कुछ बातचीत करती रहूंगी तो कम से कम हो सकता है भोजन भूल जाए। अगस्त मुनि जी बोले, मैं खाते समय बात नहीं करता, प्रसाद पाते चले जा रहे हैं। सोई राम जी की तरफ इशारा की सीता जी कि मैं ब्राह्मण बुलाई तो थी, लेकिन ऐसा ब्राह्मण नहीं बुलाई थी। राम जी इशारा किए अगस्त मुनि जी के पास। अगस्त मुनि जी बोले, ओहो बहुत हो गया, अब नहीं चाहिए, जल लाइए। सीता जी कहने लगी, भोजन की तो ये दशा है, जल का मतलब टैंकर बुलाना पड़ेगा। राम जी ने कहा, सुनो, रामावतार में मैं भोजन ग्रहण करा रहा हूं और कृष्णावतार में मैं आपको जल पिलाऊंगा। वही अगस्त मुनि जी सारे जल को पीते चले जा रहे हैं। और जब इंद्र आया वृंदावन में तो सोचने लगा कि ये प्रभु के सिवा कोई और नहीं हो सकता। विशुद्ध सत्त्वम तव धाम शांतम तपोमयम भस्त रजस्तमस्कम माया मयोयम गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। इंद्र कहने लगे, सुनो प्रभु, आप साक्षात परमात्मा हो, और जिसके मन में अहंकार आ जाता है उसके अहंकार को आप नष्ट कर देते हो। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। बोलिए गिरिराज भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए आज सुंदर 56 भोग प्रसादी भी आप सबको मिलेगा। कितने सौभाग्यशाली हैं आप लोग, और मुझे आप लोगों को देख करके बड़ा आश्चर्य होता है कि कोई व्यक्ति टाकीज में फिल्म देखने जाता है तो 3 घंटे में बीच में इंट्रोल होता है, लेकिन आप लोग यहाँ कथा पंडाल में 3 घंटे तो कथा में कहता नहीं, कम से कम 5-5 घंटे बैठ करके कथा सुनते हो। ये गोविंद जी की कृपा है और आप लोगों की भक्ति प्रबल है। आइए गोवर्धन भगवान की पूजा स्तुति करते हुए। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी, नहीं माने मेरो मन वाहे। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी, नहीं माने मेरो मन वाहे। नहीं माने मेरो मन वाहे रे रे, नहीं माने मेरो मन वाहे। नहीं माने मेरो मन वाहे रे रे, नहीं माने मेरो मन वाहे। सतकोष की रे परिक्रमा, सतकोष की रे परिक्रमा। हे मैं तो, हे मैं तो, हे
नदी गंगा नहाओ मेरे वीर ताई माने मेरे बचवा मैं तो
बोलना ही पड़ेगा। और भाव से और जोर से